Milan, I'm told, has now reached Chandni Chowk. Milan, this is said to be the heart of Delhi. How is the voter mood over here? Are you seeing significant turnout in this constituency? Yes, Kavita, I'm in Chandni Chowk. It's the heart of old Delhi. This is Kinari Bazaar and I have a few voters with me who have just casted their votes. Ma'am, hame bataiye aapne kis mudde ko lekar aaj vote diya hai yahan par? हम तो चांदनी चौक की बस प्रगति चाहते हैं कि साफ़ सफाई रहे, ट्रैफिक की समस्या दूर हो जाए. तो मेन तो यही मुद्दा है क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है और बहुत ज़्यादा मतलब चलने फिरने में भी लोगों को बहुत दिक्कत होती है. तो ये समस्या मेन दूर हो जाए, रिक्शे वाले हैं या जो भी है या गाड़ी की पार्किंग की या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब हम लोगों को ये सुविधा चाहिए और साफ़ सफाई रहे, बस यही मुद्दा है. तो मैम, काफ़ी टाइम से यहाँ पर कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी रही, उनके काम को देखकर आपको क्या लगता है कि आप किसको पावर में फिर से लाना चाहेंगे, क्या आप बदलाव चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ लगता नहीं है, कोई भी पार्टी हो सब अपने अपने हिसाब से ही, हाँ, कोई करता नहीं है. पार्क में जाओ तो इतनी गंदगी है कि घूम भी नहीं सकते हैं सुबह, कोई ऐसा नहीं है. कोई गाड़ी की पार्किंग है चांदनी चौक में खड़ी रहती है, आधा ट्रैफिक उसी से जाम रहता है. और मैम, हमें थोड़ा बताइए, यहाँ पर जो ट्रैफिक की इशू है, यहाँ पे काफ़ी मल्टी लेवल पार्किंग्स भी हैं, क्या वो यूज़ होती हैं यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, परेड ग्राउंड वाली, और वो भी कोई ज़्यादा मतलब फ़ायदेकारक नहीं है. और लोग तो मेन रोड पे ही गाड़ियाँ खड़ी करते हैं तो उस वजह से बहुत दिक्कत है कि दिन में तो निकलना ही मुश्किल हो जाता है. मतलब पैदल चलने वालों के लिए भी जगह नहीं है और गाड़ी वालों के लिए भी दिन भर ट्रैफिक की समस्या रहती है. वोटर्स ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन. सर, आप बताइए, इस बार तो चार पार्टीज हैं, स्वराज इंडिया है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं इस बार. ऑप्शंस हैं, लेकिन काम करने वाला बंदा जो हो उसी को ही वोट देना चाहिए. चांदनी चौक की एक अपनी अलग समस्याएं हैं. यहाँ पे सफाई व्यवस्था, जैसा मैडम ने भी बोला कि पार्कों में गंदगी है, पार्किंग में आप देखिए इतनी गंदगी है पार्किंग में कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है. बैड एलिमेंट्स भी पार्किंग में बैठे रहते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती है. ये सब मुद्दे हैं. रोड्स की समस्या है, इतने रिक्शे हैं जो एमसीडी ही इसको ऑपरेट करती है, तो ये सब रिक्शे वगैरह ये हटने चाहिए, लोगों को एक सुकून से चलने की जगह चाहिए. यस कविता, सो द मेजर इश्यूज द वोटर्स आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर इज पार्किंग एंड द. यस मिलन, आई कैन सी दैट यू आर स्टैंडिंग विद वोटर्स ओवर देयर. कुड यू आस्क देम द मेजर इश्यूज आउट. The Chandni Chowk area is also seeing a very interesting fight. Yes, you yes. have the sons of all the, you know, the candidates actually standing up for election this time, whether it's BJP, whether it's AAP or Congress, all of them have played safe. They have fielded the sons of their leaders from this particular constituency. Does the voter still repose faith in this kind of legacy politics? सर, यहाँ से जो कैंडिडेट्स इस बार फील्ड किए गए हैं, एक प्रहलाद सिंह सहनी के बेटे हैं और दूसरे भी बीकू राम जी के बेटे हैं, तो यहाँ से बहुत डायनेस्टी पॉलिटिक्स दिखाई देती है, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये ठीक है कि भाई बड़े नेताओं के बेटे लड़ रहे हैं. तीसरा आपने नाम नहीं दिया, वासुदेव कप्तान भी अपने टाइम में यहाँ पे बहुत बड़े नेता हुआ करते थे जनसंघ के, उनके बेटे रवि कप्तान भी लड़ रहे हैं. लड़े कोई भी, लेकिन मुद्दे जो हैं अगर उस पर काम करें तो फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है. चाहे किसी का भी बेटा लड़े, अगर काम नहीं करते हैं वो तो बेकार है, पब्लिक उसे अगली बार नकार देगी. पब्लिक एक उम्मीद से वोटिंग करती है कि यहाँ की समस्याओं का समाधान हो. जो पुरानी दिल्ली में लोग रहते हैं उनके दिलों से पूछिए कि वो किन परिस्थितियों में यहाँ पर रहते हैं. इतनी परेशानियाँ हैं यहाँ पर, आप देखें पूरे तार कितने बुरे हालत में हैं, टेलीफोन की केबल्स, बिजली की केबल्स, कोई यहाँ पर सुविधा नहीं है. लेकिन Chandni Chowk, of course, seeing a very, very interesting battle between the sons of three erstwhile candidates. Thank you, Milan Sharma.